एक शख्स लेट हो गया और लेट आने पर मैंने उसे कहा कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, और आगे से उसने टॉपिक ही बदल दिया। आपके साथ भी ऐसे होता है, या तो कभी कभार हम पे इल्ज़ाम डाल देते हैं या टॉपिक बदल देते हैं। मतलब खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं सकते हमेशा इस चीज़ का यूज़ करना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बदूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों के साथ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं इवन डेली लाइफ के अंदर। जब मैं इसके बारे में बात करूँगी तो आपको इसके बारे में पता चलेगा और आपके जहन में हो सकता है बहुत से ऐसे वाक़ियात जो हैं आपके जहन में आना शुरू हो जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत से लोग करते हैं और हो सकता है आपने भी की हो। इसीलिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए और इस चीज़ को जानिए और इससे बच के रहिए और दूसरों को भी बचाइए। क्या है ये, आज हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये एक अजीब चीज़ है जो कि जिसके हवाले से इस्लाम भी हमें मना करता है, ठीक है, तो हम फिर भी बहुत से लोग जो हैं इसको करते हैं। तो इसीलिए आज मैंने कहा इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जो मैंने पिछले वीडियो में आई थी फियर मॉन्गरिंग के बारे में, मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने उसके ऊपर बहुत प्यार दिया। और एक्चुअली मैं चाहती थी कि वो वीडियो देखी जाए, क्यों, क्योंकि उसके लिए मैंने एक्चुअली बहुत ही पहले बड़ी चीज़ शेयर की है, वो डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि आप पे यूज़ हो रही है एंड इसके आउटकम बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही मैं, और ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग होते भी हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए वो शेयर करना आपके साथ ज़रूरी थी। चलिए आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं आज की मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। आज मैं जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर डिफ्लेक्शन, ठीक है, हो सकता है आपको उसका पता भी हो। और डिफ्लेक्शन का जो है ना, इसको उर्दू में मतलब इसका वैसे गुमराही होता है, ठीक है। तो इसके वाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत से मैनिपुलेटर्स और बहुत से लोग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं और बिल्कुल अच्छी बात भी नहीं है। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं लोग के अपना इल्ज़ाम, अपनी रॉन्ग डूइंग्स या अपने जो गलत काम किए हैं वो दूसरों के ऊपर डाल देना, या फिर आप कह लें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, ठीक है। तो इसके हवाले से बहुत से लोग करते हैं। अब शायद इतना सा सुनने में आपको लगे कि ओके यार ये लोग करते हैं, ये ओके नहीं है। और आगे मैं आप लोगों के साथ चंद पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे करते हैं, कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब आप ये सुनेंगे तब आपके होश उड़ेंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं करी, पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि ओके ये तो नॉर्मल थिंग है, होता है, लेकिन ये जो है इसे ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरे हैं और ये बहुत ही कहने लॉस के अंदर लेकर जा सकती है। और ये क्यों बुरा है और कैसे बुरा है हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आखिर ये कैसे किया जाता है। चंद कॉमन टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके अंदर लोग ये करते हैं। चलिए हम एक सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है। एक शख्स है, ठीक है, वो जो है ऑफिस लेट आया और आज मीटिंग थी पूरी ग्रुप की, ठीक है, तो वो ऑफिस जो है लेट आया। अब उसने क्या करना है, उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने देना, उसने उसके उससे टेंशन हटानी है। तो इसके वजह से कुछ टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लेम शिफ्टिंग। क्या ब्लेम शिफ्टिंग, वो अपना इल्ज़ाम जो है किसी दूसरे के ऊपर डाल दे, यानी कि नहीं एक्चुअली मैंने तो जल्दी आना था, मैं क्या बताऊँ मैं लेट होगी, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुमने मुझे मीटिंग का टाइम गलत बताया था। इट्स ब्लेम शिफ्टिंग। फिर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको कह दूँ, आप हो खड़े और मैं लेट आई हूँ, तो मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने मुझे गलत टाइम बताया था, आपने मुझे कहा था कि मीटिंग तो 12 बजे शुरू होनी है और मैं जो हूँ मैं तो 11 बजे आई हूँ, देखो टाइम पे, हालांकि मीटिंग असली में 10:30 बजे होनी थी। तो वो ब्लेम शिफ्टिंग होगी। तो क्या होगा, सारे टीम वर्कर्स या जो भी आपके ऊपर वाले अथॉरिटी होगी वो किसे देखेगा, अगले बंदे को, कि इस शख्स ने इसे गलत टाइम बताया, ये तो बंदा टाइम पर आ रहा था। तो इसके अंदर ये ब्लेम शिफ्टिंग जो है उनका टूल होता है। वो क्या करता है, अपने ऊपर से टेंशन हटाने के लिए गिल्ट क्योंकि उनके ऊपर आना है, फिर लोग उनको उस नज़रिए से देखेंगे, वो कहने अपने आप को हटाने के लिए उस चीज़ से क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग। हो सकता है आपने नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखा हो कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बुरी बात है और इस्लाम इसके वजह से बहुत स्ट्रेट है और आप इसको पढ़ सकते हैं कुरान और हदीस के अंदर। और उसके बाद आता है व्हाट अबाउटिज्म। ये क्या है, ये नया लफ्ज़ सुना होगा आपने, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि ब्रिंगिंग अप इररिलेवेंट इश्यूज, ठीक है, और अपने जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, अपनी जो गलतियाँ हैं या ब्लंडर्स हैं उनसे नज़र हटाने के लिए ये किया जाता है। व्हाट अबाउटिज्म क्या होता है, वैसे मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको पता चले कि कैसे यूज़ होती है, कौन यूज़ करता है और क्यों यूज़ करता है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, वो इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि जो ओरिजिनल टॉपिक है उससे जो है ध्यान हट जाए। जैसे कि अब जो है मैं लेट आई हूँ, ठीक है, तो आप जो है मुझे कह रहे हो कि लेट क्यों आई हो, मीटिंग पता है हमारी हो चुकी है और इतना हमें नुकसान हुआ है, फ्लाम फ्लाम जो भी मुझे कह रहे हो। मैं आगे से कहूँ, लो मैं लेट होगी, पिछली मीटिंग में जो सारा लेट होगी थी उसका क्या, वट अबाउटिज्म, यानी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन लाना। फिर क्या होता है, देखिए अब आप लोगों को लगेगा इसमें क्या है, जब हम बात करते हैं और इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन ले आते हैं, अगर मैं यही कह दूँ कि वो भी तो पिछले दफ़ा आया था ना लेट, उसको क्यों नहीं कुछ कहा, तो दूसरों के सबके जो ध्यान है उस टॉपिक की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो अपने तरफ से अटेंशन जो डाइवर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके ना वट अबाउटिज्म आती है, वो इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर लाई जाता है कि यार तुमने भी तो मुझे ज़्यादा कल काम दे दिया था। अब बंदा पूछे कि तुम लेट आए हो, आज इसका क्या कनेक्शन है, कल मैंने तुम्हें ज़्यादा काम दिया था जबकि कल मैंने आपको कहा था कि आप जल्दी आ जाइएगा मीटिंग में, लेकिन फिर भी उल्टी सीधी या इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन लाना। अब जैसे कि आप मुझे कह रहे हो कि इतनी लेट क्यों आई, मैं कहूँ हाँ मैं लेट हो गई थी, लेकिन कल जो है, कल वो जो सारा है ना, उसे अपना काम प्रॉपर ख़त्म नहीं किया था, हैं, वो जो कल साथ वाला शख्स है ना, उसने सही से काम नहीं किया था, मैं उसे देख लिया था, वो चीटिंग कर रहा था। मतलब बंदा कहे कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम लेट क्यों आए, क्या प्रॉब्लम थी, जब कहा था कि जल्दी आ जाओ, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग तो एक होगी और दूसरा व्हाट अबाउटिज्म, इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं बार 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 बार, ताकि जो है ओरिजिनल टॉपिक से, ठीक है, उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और हो सकता है फिर नॉर्मल जगहों पर या माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी भी। उसके बाद आ जाता है काउंटर एक्यूजिंग। क्या काउंटर एक्यूजिंग, ये और ब्लेम शिफ्टिंग एक्चुअली थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन काउंटर एक्यूजिंग में क्या होता है, मैं आपको काउंटर एक्यूजिंग जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। एक्चुअली ये वो होता है एक कन्वर्सेशन के अंदर, या वो डायरेक्ट ब्लेमिंग नहीं होती, ठीक है, वो जैसे कि ऐसा होता है कि एक शख्स है, एक टीम मेंबर है, वो दूसरे को कह रहे हैं कि तुम आज लेट क्यों आए या आई, ठीक है, आज लेट क्यों आई, मैं मानती हूँ मैं आज लेट आई, लेकिन तुम भी तो पिछले हफ्ते लेट आई थी ना, तुम्हें नहीं इसका कोई ख्याल। ये क्या काउंटर एक्यूजिंग, ठीक है, मुंह पे मारना या फिर आप कह लें कि गलत तरीके से करना, आप ये इसको कह सकते हैं, ठीक है, काउंटर एक्यूजिंग। तुमने मैंने एक पेन तोड़ दी, लेकिन पिछले हफ्ते तुमसे भी तो एक बॉस टूटा था, उसका क्या, अपना कोई हिसाब नहीं, मुझसे पूछी जाओ, इट्स काउंटर एक्यूजिंग। ब्लेम शिफ्टिंग होता है कि तुमने मुझे मीटिंग का टाइम ही सही बताया, तुमने ये चीज़ वहाँ नहीं रखी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। काउंटर एक्यूजिंग क्या होता है कि हाँ हाँ बड़ा मुझ पर बोल लिया, पिछले हफ्ते ये भी तो किया था, कल ये किया था, अपनी चीज़ें भूल जाओ, इट्स काउंटर एक्यूजिंग। एक्चुअली ये चीज़ें जब मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं या वो लोग जिन्होंने गलत किया होता है तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि असली मिस्टेक्स के ऊपर से जो है कह लें फोकस हट जाता है। अब मीटिंग अगर कैंसिल हुई एक बंदे की वजह से, नुकसान हुआ, तो वो तो कंपनी का लॉस हुआ ना, और अगर वो उस सिचुएशन को मैनिपुलेटर जो है या फिर जो एक शख्स है जो कि डिफ्लेक्शन कर रहा है, जो ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो इस सिचुएशन को एक दफ़ा डाइवर्ट कर भी दे, ठीक है, मतलब कि बॉस ने चलो माफ़ कर भी दिया या जो भी, के अगर उसने ध्यान डाइवर्ट करके कुछ भी मामला संभाल लिया, तो नुकसान उसका नहीं होना, नुकसान आपका या कंपनी का होना है। क्या कि कल को अगर वही बंदा रहा तो मीटिंग में और लॉस होगा और कंपनी लॉस में जाएगी, ठीक है, तो उसको नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदतें होती हैं अभी है, अब आप आदतें कैसे करने बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को रोकना होता है, और इसीलिए तो कह रहे हैं तैयार होती हैं शिक्स वगैरह तक, उसके ऊपर प्रॉपर्ली टाइम हो, और बहुत से लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि इतनी फ़ाइन लगेगी, इतना ये होगा, तो इसीलिए जो है ये ज़रूरी होती है। और वैसे भी एक नॉर्मल इंसान को, एक इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, क्योंकि वो जो कर रहा होता है अपनी मर्जी से, अपने बलबूते पे कर रहा होता है, तो इसीलिए एक शख्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आनी चाहिए अपने ऊपर। तो अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं या अगर आपने भी ऐसे किया, तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके खुद ज़िम्मेदार बने। देन एक होता है चेंजिंग दी सब्जेक्ट ही चेंज कर देना। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें कि आज लेट क्यों आई, आज मीटिंग होनी थी और आप वो अहम डॉक्यूमेंट्स लाए नहीं, हाँ आज मैं लेट होगी, अच्छा नई मूवी देखी है मुझे अभी थिएटर में रिलीज हुई है, क्या मूवी है, बंदा कहे कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि लेट क्यों आई, तुमने सब्जेक्ट ही बदल दिया, अच्छा तुम लेट क्यों आई आज, वो एक्चुअली ना मैं लेट होगी, लेकिन तुमने देखा है कि ग्रीन कितना प्यारा कलर है, और मैं तो कल बैठ के रिसर्च कर रही थी कि पाकिस्तान का फ्लैग का कलर ग्रीन क्यों है। बंदा कहे कि क्या कर रही हो, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, जिसे क्या जाता है कि सवाल गंदम जवाब चना। तो ये जो है एक्चुअली चेंजिंग द सब्जेक्ट, ये भी बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट एक होता है मिनिमाइजिंग द इशू को ख़त्म करना, यानी कि अगर एक गलती
कर दिया उसने और वो बड़ी है, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर देना, छोटा सा दिखा देना, ठीक है, कि चलो यार कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे वैसे, ठीक है, तो उसको ऐसे कर देना। जैसे कि अगर आप मुझे कहें कि तुम लेट क्यों होगे, तो मैं आगे कहूँ कि यार अच्छा चलो छोड़ो ना, ये क्या बात हुई, मैं थोड़ा सा ही तो लेट हुई, एक दिन से जाने से क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब एक्सक्यूजेस बना के ऑब्वियसली इशू को बहुत ही छोटा बना के पेश कर देना, जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो एक मिनिमाइजिंग द इशू, ये मैंने आपको कुछ चंद जो हैं कह लिए टैक्टिक्स शेयर किए हैं जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं इन सिचुएशंस के अंदर और जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। अब इतने ज़्यादा मतलब कि उनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं या टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं डिफ्लेक्शन के अंदर, तो क्या किया जाए? एक नॉर्मल इंसान अगर वो मुझसे जबान लड़ाई जा रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस शख्स को? वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, बिकॉज डिफ्लेक्शन एक डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि कल को, अल्लाह ना करे, कल को आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो इसीलिए उसको टाइम के ऊपर रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, और कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी आना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो वो भी जो है बैकफायर हो सकता है। तो इसीलिए हम इंशाल्लाह ताला जो कल वीडियो आएगी, जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज ही हमारे क्लब को ज्वाइन करिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।